नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सतना से, जहां देर रात शादी समारोह से वापस लौट रही स्कॉर्पियो कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो सवार सभी लोग रीवा के रहने वाले थे, जो सतना के नागौद में एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। तभी कोलगवा थाने के नजदीक रीवा रोड में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा टकराई। स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में बलीउल्ला, जगन हाजी और कादर खान के नाम सामने आए हैं। सभी रीवा जिले के रहने वाले हैं। कोलगवा थाना पुलिस ने मृतकों के शव को पीएम के लिए भेज दिया है। मामले पर मर्ग कायम कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये थाना कोलगवा में रीवा रोड की घटना है, जहाँ पर कालगिल ढाबा के पास में एक स्कॉर्पियो वाहन अपना डिवाइडर क्रॉस करके अपने अगेंस्ट साइड में जाके एक ट्रक से टकरा गया, जिस पर से उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और उसमें अन्य 4 लोग घायल हैं, जो घायलों का भी वर्तमान में जिला चिकित्सालय में इलाजरत है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ट्रकों में लगातार कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है, यातायात थाना और यातायात प्रभारी द्वारा की जा रही है, और जहाँ भी इस तरीके के अगर साइड में ट्रक खड़े हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि क्यों वहाँ पर ट्रक खड़ा था, वो जाँच का विषय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।